करता है कि तुम्हें छोड़ दे। आखिर हेलमेट ही तो नहीं पहना, किसी का खून थोड़े ना कर दिया है। वही तो। चलो अब तुम्हारा फैसला भी हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं। देखो अगर टेल आया तो निकल लेना ठंडे ठंडे, लेकिन अगर हेड आया तो 1000 रुपए का दान करके जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर? हाँ। ये आया हेड। अरे रे, अब भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम आज 1000 रुपए का दान करके ही जाओ। निकालो। ये हुई ना बात, निकलो। तो कब आ रही है आपकी ये मिश्री मैडम यहाँ चार्ज लेने के लिए? आने में नया दरोगा। आ गई मैडम। जय हिंद। सफाई हो गई मैडम, सब चकाचक कर दिया। वेरी गुड। पौधे भी लाए हैं आपके लिए, गुड लक वाला। बहुत ही बढ़िया। तो हम चलते हैं मैडम। हाँ जी, जय माता दी। तो चलते हैं मैडम। अरे हाँ, सुन लिया, कब से चल रहे कर रहे हो, जरा चल के भी दिखाओ। मैडम पेमेंट। पेमेंट? अरे हमसे पेमेंट मांग रहे हो? पुलिस वाले से? अरे पुलिस वाले से कोई पेमेंट लेता है क्या? बल्कि उन्हें देना चाहिए, का समझे? अच्छा जाने दो, भगवान से ही पूछ लेते। देखो तेल आया तो डबल पेमेंट लेके जाओगे, लेकिन अगर हेड आया तो पुलिस वाले की सेवा समझ के भूल जाओगे। मंजूर? चलो। लो ये तो हेड आ गया, देखा, भगवान की भी यही मर्जी। चलिए, जय माता दी। रुको, लोग यहां न्याय की उम्मीद से आते हैं, अन्याय सहने नहीं। कितना हुआ जी? 500। जय हिंद मैडम। जय हिंद। भाई कौन हो तुम? सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह। अच्छा, आप हैं जिनकी जगह पे हम आए हैं। लगता है आप उनको पहचान दी नहीं, तभी इतना दुस्साहस कर बैठी। अगर जान लेती कि हम किस फैमिली से हैं, कहां तक की पहुंच है हमारी और इस डिपार्टमेंट में कितना वजन है, तब शायद आपकी हिम्मत नहीं होती हमारी जेब में यूं हाथ डालने की। पहले जान लीजिए फिर उलझिए। भाई हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, वरना हम तो मिस्री है, पान में मिलाओगे तो शहद और मुलेठी में मिलाओगे तो जहर। भूलिएगा मत, वरना चेहरे से तो आप खुद ही समझदार नजर आ रही है। आइए आपको हमारा काम हैंडओवर कर देते हैं। हाँ सर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन करिश्मा सिंह अभी लीव पर हैं। वो एग्जाम देंगी, उसे क्लियर करेंगी, फिर उनका प्रमोशन होगा और फिर जाकर ट्रांसफर होगा। उसके पहले ही आपने यहाँ पर किसी को भेज दिया और वो भी बिना किसी प्रायर नोटिस के? हमें तो अंदाजा भी नहीं था सर। सर आई एम सो सॉरी बट दिस इज नॉट फेयर, ये एब्सोल्युटली गलत है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मिस मलिक, ये मेरा नहीं डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और यहाँ पे सबको पता है कि करिश्मा सिंह और आप में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वैसे भी करिश्मा सिंह लंबी लीव पे गई है। अब उनकी पोस्ट संभालने के लिए कोई तो चाहिए। देखिए मिस मलिक, डिपार्टमेंट ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, एंड यू प्लीज फॉलो द प्रोसीजर।
ओके सर। ये वो फाइल है जिनकी सुनवाई अभी चल रही है और ये वो जिनकी तफ्तीश जारी है। मैडम सर, करिश्मा सिंह, ये सब क्या है करिश्मा सिंह? आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप ऑब्जेक्शन लेती तो ये ट्रांसफर रुक सकता था। आप ऑफिशियल लीव पर हैं, ये आपका राइट है। इस तरह से आपकी जगह किसी और को पोस्ट करने का डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं। डिपार्टमेंट ने वही किया मैडम सर जैसा आप चाहती थी। पर इतना जल्दी भी क्या था, थोड़ा वेट तो कर सकती थी ना आप। तो आपको लगता है ये सब हमने किया? क्या फर्क पड़ता मैडम सर, लेकिन बस हमें ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगी। वैसे सही किया, ये बेस्ट है आपके लिए। आप भी मिस्री, ये भी मिस्री, सब मीठा मीठा। क्रिमिनल्स जो है ना बेचारे डायबिटीज से मर जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा मैडम सर, जैसा दिखती है ना वैसा है नहीं ये। तुमने कहा था ना कि हम शक्ल से बहुत समझदार लगते हैं। शक्ल से ही समझदार है, वैसे नहीं है। अगर वैसे होते ना तो पहचान जाते कि कौन किस फैमिली से आ रहा है, क्या बैकग्राउंड से आ रहा है और इस डिपार्टमेंट में कितना दम रखता है। गलत देखते हैं तो गलत के सामने एकदम से खड़े हो जाते हैं। फोड़ते पहले हैं, समझते बाद में हैं। क्या करें, इनबिल्ट प्रॉब्लम है। बाकी तुमको तो हम जान नहीं पाएंगे क्योंकि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। तुम तो यहाँ रहोगी इस थाने में, तो करिश्मा सिंह और उसके भौकाल को बहुत अच्छे से जान जाओगी। वेलकम टू महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। जय हिंद मैडम सर। ये जैकेट और ये नेल पॉलिश हमें दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपनी वर्दी की इज्जत करना सीखिए। सॉरी मैडम सर। अपनी फाइल लेकर हमारे केबिन में आइए। इंप्रेसिव, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। आपने कांस्टेबल की पोस्ट से शुरुआत की, फिर हेड कांस्टेबल और फिर सीधा SI। बहुत कम समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया आपने। थैंक यू मैडम सर। बस हम तो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा काम की बात। बिल्लो, बहुत दिनों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को नकली दूध सप्लाई किया जा रहा है जिस वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही। अरे रे, दूध में जानलेवा केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है जिससे वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में बीमार हो रहे हैं। जब हमने डिटेल में पता लगाया तो पता चला कि एक गैंग है जो इस मामले में इलीगली इन्वॉल्व्ड है। हमें इस गैंग को पकड़ना होगा और इस मामले को खत्म करना होगा। जी निवास त्रिपाठी, इस केस की सबसे अहम कड़ी जो इस फाइल में है यही पहुंचाएगा हमें इस गैंग तक। जी देखिए आप इसके बारे में क्या पता कर सकती हैं एंड गेट बैक टू मी। बिल्कुल, यू मे लीव। मैडम सर, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ हाँ कहिए। बहुत सुना है आपके बारे में और आपके सारे केस स्टडी किए यहाँ पोस्टिंग होने से पहले। बहुत प्रभावित है हम आपसे और आपका वो जो जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, आय हाय हाय, वो तो मतलब दिल को छू गया। 100% सहमत है हम आपके विचारों से। अरे ऐसे ही होना चाहिए। अरे जज्बातों से मैडम जी सब कुछ बदला जा सकता है, वरना डंडे का क्या है, उससे तो जानवर भी हाँके जाते हैं।
लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस केस को आपके तरीके से ही हैंडल करेंगे। पहला केस है हमारा और आप हमारी आइडल है, तो आपकी परमिशन हो तो हम आपके चरण छूएं। नहीं 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 यानी ये देखिए, आप पुलिस ऑफिसर हैं, प्लीज बिहेव योरसेल्फ, हमें ये सब पसंद नहीं। हाँ, कैसी चापलूस है। यस चीता चतुर्वेदी। मैडम सर वो बोलिए बोलिए। मैडम सर वो जो हेडक्वार्टर में नए वाले वॉकर के क्या वॉकी टॉकी के लिए हम लोगों ने अर्जी दी थी ना, वो खारिज हो गया है। अरे रे, डिपार्टमेंट ऐसी छोटी छोटी चीजें भी सप्लाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। मैडम सर आपकी इजाजत हो तो ये काम हम करवा दे। आप? हाँ, अरे हमारे चाचा जी है ना, वो हेडक्वार्टर में ही तो काम करते, हम उनसे कह देंगे, आप बस हमें बता दीजिए कि आपको कितने वॉकी टॉकी सैंक्शन करवाने हैं। Are you sure? Very much sure, मैडम सर। अब आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। थाने के लिए? हाँ, थाने के लिए। ठीक है फिर, अगर आप करवा सकती हैं तो करवा दीजिए, that's fantastic। अगर कर ही रही हैं तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ऑलमोस्ट सारे वॉकी टॉकी खराब हो चुके हैं। सर जी बिल्कुल मैडम सर, नो वरी, हम कल के कल सारी डिलीवरी करवा देंगे। जय हिंद मैडम सर। क्या क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इस केस में हमें? मुझे तो लगता है हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। क्या नाम क्या बताया आपने अपना? बताया नहीं अभी मैडम। और बताती तो क्या बताती? संतोष शर्मा। संतोष, तो आपका ये कहना है कि हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। और संतोष हम ये कहे कि हम इस वक्त वही कर रहे हैं तो? तो मैडम मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि मेरा सुझाव आपने इतना जल्दी मान लिया। वाह संतोष, तो हमने एक इंग्लिश फिल्म में देखा था कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाला खुद अपराधी की जिंदगी जीता है। कौन सी फिल्म? तो आप ये कह रही हैं कि हम लोग भी दूध वाला बन जाएं? अरे क्यों नहीं, तुम तो लगते भी हो। संतु जी, अरे दूध वाला बनने से अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो क्यों नहीं। मैडम जी मगर हमको लगता है कि अगर कानपुर जाना है तो बेंगलोर जाके क्यों जाए, सीधा सीधा कानपुर जाए तो। पुष्पा जी बड़ी क्यूट है आप, इसीलिए हम कहते हैं कि घर में एक बुजुर्ग का होना कितना जरूरी है। ऐसी अकल की बात सिर्फ एक बुजुर्ग ही कर सकता है। पुष्पा जी क्या बात है, क्या बात है? इतने भी बुजुर्ग नहीं है हम। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप बिल्कुल सच बोल रही है। देखो अब यही होगा, हम जाते हैं निवास त्रिपाठी पर नजर रखने के लिए। और हम क्या करेंगे फिर? हाँ वो भी है, पगार मिल रहा है तो काम तो करना पड़ेगा भाई। आप एक काम कीजिए पुष्पा जी, आप लखनऊ की टेलीफोन डायरेक्टरी निकालिए और उनमें से फोन लगाइए और पूछिए उनको कि उनके घर में जो दूध आता है कहीं उनको शक तो नहीं कि उसमें मिलावट है। मगर डायरेक्टरी में से किसको फोन लगाएं? सबको। हाँ सबको, मतलब वो डायरेक्टरी पूरा सबको? सबको। अगर हाँ कहा तो उनका नाम और पता सब नोट कर लीजिएगा। नहीं नहीं मगर ये सब करके होगा क्या? अरे मैडम सुनो, आई एम बिल्लू द स्पाई, लखनऊ में कब कहा क्या हो रहा है सबकी खबर इंफॉर्मेशन मैं रखता हूँ। इसीलिए तो हसीना मैडम कोई भी फैसला लेने से पहले मेरी इंफॉर्मेशन जरूर लेती है, क्योंकि मैं हसीना मैडम का खास आदमी हूँ। हाँ ठीक है तुम पे बाद में आते हैं। पुष्पा जी आपको जितना कहा है उतना कीजिए ना। क्या है ना, सीनियर से ज्यादा सवाल नहीं पूछते। जी मैडम। डोंट वरी मैडम, हम सब मिलके कर लेंगे। ना 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 ना, तुम लोग इतनी तकलीफ क्यों उठाओगे,
तुम्हारे लिए तो बड़ा ही आसान सा काम है। तुम दोनों थाने के रिकॉर्ड रूम में जाओगे और सारे अपराध और अपराधियों की फाइल्स चेक करोगे और देखोगे कि कहीं उसमें से कोई निवास त्रिपाठी का रिश्तेदार तो नहीं। मतलब जितना सारा सारे। और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। यार हेलो। हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए तो, डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस रूटीन पूछताछ चल रही है हमारी। हाँ जी, हाँ एक बात बताइए हमको, आपके घर में जो दूर आता है ना, तो उसमें कोई मिलावट होती है? चीते तू वहां देख। हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहे हैं? दूध? हाँ। कितनी फाइल्स बची है और बता? बस यही कोई 3-4 हजार और। अरे हम और जोर से नहीं बोल सकते, हमारा गला बैठ गया बात कर करके। क्या करे? झंड हो गया भैंस की जिंदगी। अब हमारे प्रोफेशन में सारे रास्ते इस कचरे में से निकलते हैं ना, मार डुबकी इस कचरे में। ओ तेरी, ये क्या है बे? दे डे, आवाज देने के बाद क्या चिपरा है बे? दिखा तभी आवाज दिया ना। चंडे, ये क्या? कचरा चोर, पुलिस, पुलिस, पुलिस। चुप 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 चुप, क्या सबको पता चलना चाहिए? ये देखिए सनी चंडा की सनसनी खेज। दिन में न्यूज रिपोर्टर का कार्ड गले में टांग कर घूमने वाला, रात में कचरा पीने का काम कर रहा है। गौर से देखिए इसे, कचरा चोर। पहले तो ये बता बाहर क्या कर रहा है? वो नई मैडम आई है ना, मिस्त्री मैडम, उसने मुझे अपनी बिल्ली निवास से बाहर कर दिया। मेरा बिल्ली निवास। चड्डे, तेरा ही सहारा है, तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर तो मैं वापस अपने बिल्ली निवास में चला जाऊंगा। करेगा ना कंप्लेंट? अरे पागल है क्या, नकली कंप्लेंट करने का मतलब समझता है? देखिए ये कचरा चोर चड्डा। करता हूँ कुछ जुगाड़। जुगाड़ नहीं, कंप्लेंट। हाँ कंप्लेंट, अब तो निकल, अपने काम पे लगता हूँ। ए चड्डे, इसके पीछे ना और बहुत बड़ा डस्टबिन है, वो भी साफ कर देना। ठीक है। चीता बदनाम भाई, हमारे लिए एक स्पेशल चाय लाओ। जय हिंद लखनऊ पुलिस। ए, अरे बिल्लू, कल तुम यही सोए थे क्या? ए बिल्लू, कहीं पे भी सोया मिलता है तू? आदमी है कि सांप है? ए निकल, चाय पीने आया हूँ। ए मुझे चाय, बदनाम चाय। अरे ये क्या है? पुष्पा जी, ये तुम सबकी हालत ऐसे मशीन में निकले हुए गन्ने की तरह। ए बिल्लू, ऐसे बात करते हैं, चूसे हुए आम जैसे क्यों लग रहे हैं, ऐसा पूछ। अब यहाँ कितनी देर बैठोगे? थाने में नहीं जाना है क्या? हमको नहीं जाना। हमको नहीं जाना। आप बोलो। क्या बोलू? हाँ मेरा ठीक है, आपका खराब है मशीन। बहुत सही। हमको अंदर नहीं जाना।
एक मिनट। अरे बोल रही है कि उनको अंदर नहीं जाना है, मिश्री मैडम उन्हें कोई दूसरा काम दे देंगी, उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। हे परमात्मा, ये अंदर जाना नहीं चाहते और मुझे अंदर जाने नहीं देते। धैर्य बिल्लू धैर्य, निकल ना निकल। हमको तो लगता है ना ये जो नहीं है ना। हेलीकॉप्टर 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 हेलीकॉप्टर। हाँ बैठे की बड़ी तमन्ना है। हाँ फिर सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र आइए। डम शराब खेलते। पुष्पा जी सी हिंदी इंग्लिश फ्रेंच। हिंदी 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 हिंदी। दो स्टार। हाँ क्वाली। हाँ ये जो मैडम आई मिश्री 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 मैडम जो आई है दो स्टार वाली। हाँ वो जरूर 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 कोई नया कांड करेगी ना कांड करेगी कांड करेंगी। सबास बिल्लू सबास। वही तो मैंने भी उनको बोला कि मैं हसीना मैडम का मैं एकदम खास आदमी हूँ तो मुझे बाहर निकाल दिया। पुष्पा जी कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार हमें इस सब के बारे में मैडम सर को बताना चाहिए। अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि मिश्री मैडम जानबूझ के आपको परेशान कर रही है और ठीक से ट्रीट नहीं कर रही। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनके काम करने का तरीका हो और बाकी सारी बातें सिर्फ आपके दिमाग में। पुष्पा जी मैडम सर एक बात बताइए, अब 4000 फाइल केस में से त्रिपाठी के रिश्तेदार को ढूंढ कर निकालने का क्या मतलब है? नहीं त्रिपाठी तो सामने है ना, उसके रिश्तेदार लोग का इसे जड़ खोद कर निकालने से क्या फायदा होगा? आपको क्या हुआ? पुष्पा जी मैडम सर इनके कहने का मतलब है कि पूरे शहर में हर एक के घर में फोन कर करके पूछने का मतलब क्या होता है कि आपके घर पे नकली दूध आया कि नहीं आया। बेचारी पुष्पा जी हर जगह फोन कर करके सिग्नल पकड़ पकड़ कर बोल बोल कर इनकी बोलती बंद हो गई है। अब जब ये घर जाएंगी तब वहाँ इनकी बहू करिश्मा मैडम वो तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगी और ये तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगी, इनको तो बस उनकी माननी पड़ेगी। तो ऐसे कैसे ये केस सॉल्व होगा? संतोष शर्मा तरीका चाहे जो भी हो ये मत भूलिए कि ये आपकी सीनियर है। अब जाने भी दीजिए मैडम सर, हो जाता है कभी कभी, अभी अभी तो आए हैं, लग जाता है टाइम थोड़ा एडजस्ट होने में। और अगर फिर भी नहीं हुए तो डीसीपी साहब से कहकर कहीं और एडजस्ट करवा देंगे। खुद को ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी, तंटा ही खत्म है कि नहीं?